आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज बीट। ख़वातीन और हज़रात, कल सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने आईजी पंजाब इनाम गनी साहब के साथ मिलकर, जिसमें लॉ मिनिस्टर पंजाब राजा बशारत साहब भी शामिल थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी कौम को एतमाद में लिया कि जी दोनों मुलजमान जो मोटरवे इंसिडेंट के हवाले से मतलूब थे, पुलिस को उनकी शनाख्त हो गई है, उनको ट्रेस कर लिया गया, अब उनकी गिरफ्तारी जो है उसको मुमकिन बनाना। आईजी साहब ने कहा कि गिरफ्तारी हो जानी थी लेकिन वो क्यों नहीं हो सकी, उसकी भी एक वजह उन्होंने बताई जो कल मेरी समझ में नहीं आई थी, आज भी उसके हवाले से बात करूँगा। लेकिन बुज़दार साहब ने इन दोनों मुलजमान की जो आइडेंटिटीज कल बताई थी वो एक दफ़ा ज़रा दोबारा सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते। ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं 2013 से 17 तक, 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा जो वकार लसन है इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड, और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। अब ये जो 2 मुलजमान जिनका जिक्र उस्मान बुज़दार साहब कर रहे थे, उसमें से एक आबिद जो है वो तो अभी तक पुलिस उसको अरेस्ट कर नहीं सकी है, लेकिन दूसरा मुलजम जो वकारुल हसन है उसने आज खुद पुलिस के सामने जाके अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी है मॉडल टाउन CIA पुलिस के सामने, और उसने कहा जी मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो सिम मेरे नाम पर थी वो मेरे इस्तेमाल में भी नहीं थी बल्कि मेरे बरदर नस्बती के इस्तेमाल में थी, जिसका नाम अब्बास उसने बताया, और उसको भी पुलिस अब ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। वकार का जो भाई है शब्बीर, थोड़ी देर पहले एक और निजी टेलीविजन पर उसने इंटरव्यू देते हुए कहा जी कि मेरा जो भाई वकार है वो किसी केस में गिरफ्तार नहीं था या जेल में नहीं था जिसमें से जमानत पे वो 14 दिन पहले रिहा होकर बाहर आए, यानी कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो कल कहा कि एक मुलजिम 14 दिन पहले रिलीज हुआ है जमानत पर और उसके बाद अब दोबारा उसने वारदात की है, उस मुलजिम का सगा भाई जिसका नाम शब्बीर है वो इस इंफॉर्मेशन को डिनाई कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि वो जो बेल के डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, जाहिरी बात है रिकॉर्ड सारा मौजूद होगा, वो मीडिया से भी शेयर करें ताकि हम लोगों को बता सकें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौकिफ दुरुस्त है और उन लोगों का मौकिफ गलत है, अदरवाइज शकूक व शुबहात जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। बहरहाल ये तो सीएम साहब ने कल कहा था, आईजी साहब ने कल जो कहा था जो मेरी समझ में कल भी नहीं आया, अभी तक नहीं आ सका, वो क्या कहा था सुनिए। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, सो मुलजिमान को डेफिनेटली ये इतला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है, लेकिन जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए, तो चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी ये गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। ये आईजी पंजाब फरमा रहे हैं एक ऐसे केस के हवाले से जो कि एक हाई प्रोफाइल केस है, ये कोई आम केस नहीं था जिसमें पुलिस को कोई पूछने वाला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया की नज़रें इस केस कर केस के ऊपर हैं, और मीडिया के जरिए पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की नज़रें इस केस के ऊपर हैं, और आईजी साहब कह रहे हैं बदकिस्मती से पब्लिक डोमेन में क्योंकि इंफॉर्मेशन चली गई थी इस वजह से मुलजमान अलर्ट हो गए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फ्रॉम द आईजी पंजाब इज के बदकिस्मती से इंफॉर्मेशन लीक हुई क्यों, कैसे लीक हुई, और अगर हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात जो उन्होंने की कि पुलिस की गाड़ी उसे अरेस्ट करने के लिए जा रही थी, डेरे के ऊपर उसका घर है, उसने गाड़ी को आते हुए देखा और उसके बाद वो फसलों में चला गया और उसके बाद वहां से वो भाग गया। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर इस तरह से ऑपरेशन करना है पुलिस ने मुलजमान को अरेस्ट करने के लिए, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, यानी कि आपको तो चाहिए था कि आप बाकायदा तौर पर वहां पे कमांडो ऑपरेशन करें, आप चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करें एरिया को और मुलजिम के भागने की कोई गुंजाइश ही मौजूद ना हो, लेकिन ये कैसा ऑपरेशन था इतने हाई प्रोफाइल केस का जिस पे जिसके हवाले से पूरे मीडिया में इतने दिन से बात ही एक हो रही है, और आप कहते हैं कि वो पुलिस को आते हुए उसने देखा, वो फसलों में चला गया और वो अपनी बीवी के साथ भागे, ना औरत को पकड़ सके ना मर्द को पकड़ सके, उनकी बच्ची को पकड़ लिया, बच्ची तहवील में, उसके भाई और उसका बाप जो है वो पुलिस की तहवील में है, ये खबरें हमारे पास हैं। लेकिन अब सवाल बहुत सारे उठ गए हैं आज की गिरफ्तारी के बाद, उसके हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल भी बात करेंगे रेप केसेस में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और मेरे साथ जो मेहमान है उनका तारुफ कराता हूँ जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मावन खसूसी बराए वजीर आजम, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब और सीनियर तजयकार सईद काजी साहब हमारे साथ होंगे, गुफ्तगु का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर शहबाज गिल आपसे करते हैं। गिल साहब, मुझे फरमाइएगा कि कल से अभी तक की जो सूरत हाल है इस केस के हवाले से, हमने देखा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीएम पंजाब की तरफ से, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त थी, थोड़ी मैच्योर थी। कह दिया गया कि जी हमने जो अचीव करना था कर लिया है, और उसके बाद हमने देखा कुछ मुबारकबादों के मैसेजेस भी चले, जिसमें एक ट्वीट आपका भी था। उसके हवाले से भी आप ज़रूर फरमाइएगा, क्योंकि पंजाब के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने आज इस हवाले से भी सवाल उठाया है आपकी तरफ इशारा करते हुए कि जी वो ट्वीट करना मुनासिब नहीं था। शायद ये पंजाब के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर आप कहेंगे थोड़ी देर में मैं आपको सुनवा भी दूंगा। उसके बाद जो आईजी जो पंजाब पुलिस है उसकी जो हैंडलिंग ऑफ द केस है, अगर पता लग गया इन्फॉर्मेशन का, वो इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जब उस मुलजिम को अरेस्ट करने जा रहे थे तो किस तरह का ऑपरेशन था कि वहाँ पर पुलिस को आते हुए देखकर वो खेतों में भाग गया और फिर मिल ही नहीं सका और अपनी बीवी के साथ फरार हो गया। तीसरे नंबर पर जो दूसरा मुलजिम था, जिसके हवाले से सीएम साहब ने कल बहुत वसूख के साथ कहा दैट ही इज वन ऑफ द कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट, वकारुल हसन, उसने आज खुद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दिया सीआईए को, और वो कहता है कि मेरा तो इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या बहुत सारे शकूकों शुभात और सवालात खड़े नहीं हो गए इस तफ्तीश के ऊपर, इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिस तरह से पंजाब पुलिस इसको लेकर चल रही है? शहबाज गिल साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी मुझे आ रही है। अच्छा, इसमें देखिए दो तीन बातें। सबसे पहले तो आपने बात की, क्विकली मैं उसका जवाब दे दूं कि ट्वीट कबल अज़ वक्त था कि नहीं। देखिए वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ट्वीट के थ्रू दी, वो तकरीबन रात के 12 बजे से वो इन्फॉर्मेशन चल रही थी, और फिर सुबह से भी सारे चैनल्स पे चल रही थी। और मेरे ट्वीट से पहले जो लाहौर पुलिस थी वो फॉर्मली, ये दुनिया टीवी के ऊपर लाहौर पुलिस का मौकफ इस पर फॉर्मली चल चुका था कि जो डीएनए मैच हो गया है लेकिन मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े गए। तो जो मेरा ट्वीट था वो पुलिस के फॉर्मल बयान के बाद रिलीज हुआ था, और वो पुलिस का जो मौकफ था, बयान था, वो दुनिया टीवी पे एटलीस्ट मैं देख चुका था, मेरी बात भी हो चुकी थी दुनिया टीवी के साथ। तो लाहौर पुलिस का फॉर्मल मौकफ उस पर चल चुका था। उसके बाद क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर बड़ा मोहतात होता हूँ कि जो भी कोऑपरेशन हो उनकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना दी जाए जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम में कोई खलल पड़े, इसीलिए जब रात के टाइम ये कहा गया कि वो लोग अरेस्ट हो गए तो मैंने उसका डिनाइल किया था, क्योंकि मैंने आईजी साहब से दूसरे लोगों से कंफर्म किया और वो नहीं था, तो इसलिए उसका उस टाइम डिनाइल किया। सही, आप कह रहे हैं कि आपने डिनाई किया। अच्छा, लेकिन ये जो ट्वीट आपने किया, अगर आप इजाजत दें, की थी और उससे थोड़ी देर पहले पुलिस का भी। जी आपका ये जो ट्वीट है जिसमें आपने कहा मुबारक हो वजीर आला उस्मान बुज़दार को, आईजी पंजाब को, सीसीपीओ लाहौर को और पूरी टीम को, डीएनए मैच इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तारी भी होगी। जी आपको मेरी आवाज आ रही है गिल साहब? जी मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा हूँ गिल साहब। आपने कहा डीएनए मैच्ड, इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तारी भी होगी। अवाम को पता हो कि रात 4 बजे तक उस्मान बुज़दार मीटिंग में थे आईजी और सीसीपीओ के साथ। वजीर आला ने पूरे केस की खुद मॉनिटरिंग की है, काम बोलता है अल्फाज नहीं, वेल डन बुज़दार। ये आपका ट्वीट था। इसके जवाब में पंजाब के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब ने कुछ कहा आज, यानी कि या तो ये मीडिया का कसूर है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की जबानी, या फिर ये आपने वेल डन बुज़दार का जो ट्वीट किया था उसकी वजह से भी चीजें मिसमैनेज हुई हैं। शहबाज गिल साहब, मीडिया की हद तक तो चले आपने जवाब नहीं देना, अपनी हद तक जवाब जरूर दीजिए। नहीं, इसका मैं बताता हूँ। देखें जो फयाज हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, उसमें आप ये सोचिए कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वो बहुत ही प्रेशर में काम करता है। मैंने पंजाब में काम किया हुआ है, उसमें बहुत प्रेशर होता है। हम यूजली तो हम हंस देते हैं, हम लोगों को लगता है कि शायद ये नॉर्मल काम होता है। आपने तो देखा हुआ है वो काम, आपने तो इंटरेक्ट भी किया हुआ है हमारे साथ उस सारे काम में। तो ये बहुत पल पल की खबर देना, पल पल की चीज रखना, तो वो जो फरमा रहे हैं फयाज साहब वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं। इसको दो तरह से देखिए। हमारा पहला एज इंफॉर्मेशन टीम काम होता है कि इंफॉर्मेशन तब जाए जब हुकूमत चाहती है जो मुसद्दका हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो वैसे ना हो और इंफॉर्मेशन पहले चली जाए, जैसा कि मुझे जो लग रहा है जहां पे डीएनए की टेस्टिंग हुई वहां से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई, अदरवाइज रात 12 बजे ये टेलीविजन पे तो ब्रेक ना होती ये इन्फॉर्मेशन, और समा टीवी ने उसी टाइम रात के 12-1 बजे ही जो जो जिस मुजरिम का कहा गया, मुलजिम का,
उसकी तस्वीरें दिखाना भी शुरू कर दी। तो जब ये लीक हो जाती है तो जो इंफॉर्मेशन के लोगों का काम होता है अब वो और मुश्किल हो जाता है। फिर आप प्लान ए पे नहीं रह सकते, आप इंफॉर्मेशन को रोक के नहीं रह सकते, फिर आपको उस इंफॉर्मेशन की तस्दीक करनी होती है या उस इंफॉर्मेशन को आपने किसी ने सर लीक नहीं होनी चाहिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लीक नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में आपको पता है, आप वकील हैं, आपको पता है पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अंदर मीडिया के लोगों के अपने अपने सोर्स होते हैं और वो कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके सामने ये हुई और फिर उसके ऊपर हमें उसको एक शक्ल देनी पड़ी, एक बात करनी पड़ी ताकि वो जो आवाम के पास वो हुकूमत का बयानिया जाए जो हुकूमत समझती है। मैं अभी भी पूरे वसूख से समझता हूँ और मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम बहुत क्विक उनसे बहुत सारे जवाब मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कई दफा आप चीजों के पास होते हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते। बुज़दार साहब, आपकी इजाजत से मैंने दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है, लेकिन ये जो बात आपने कही कि गवर्नमेंट की एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे अभी तक वो बहुत अच्छा काम नजर नहीं आ रहा। एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी, एक वकील की हैसियत से भी, एक एंकर पर्सन की हैसियत से भी, सुन तो लेना मेरी बात, सुन ले गिल साहब, मैंने जैसा कि कहा मेरी बात तो सुन ले गिल साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप भी मेरी पूरी बात सुन ले, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर गेस्ट। नंबर वन, The प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज इमेच्योर, कबलज वक्त थी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आईजी पंजाब ने और सीएम पंजाब ने बता दिया कि ये दो मुलजमान है, मुलजमान मजीद अलर्ट हो गए। उसके बाद दूसरी चीज, इनएफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द केस, उस वक्त से लेके जब से वो खातून जो है वहां पर खड़ी थी और पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम में डिले था, वहां से लेकर यहां तक कि जब तक मुलजिम की आइडेंटिटी पता लग गई, आप उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं, आप उसे अरेस्ट ही नहीं कर सके हैं वहां पे जाके। उसके बाद हम ये देखते हैं जी कि सीएम साहब जो हैं वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका भी, अब तो हम तो डबल माइंडेड है ना गिल साहब, गवर्नमेंट को चाहिए शेयर कर लें वो डॉक्यूमेंट्स, वो जो कहते हैं सीएम साहब के 14 दिन पहले ये बंदा जेल से रिलीज हुआ है जमानत पर, उसका भाई कहता है कि बकरी चोरी के केस के अलावा और कोई केस ही नहीं हुआ कभी इसके खिलाफ, तो वो डॉक्यूमेंट शेयर कर लें फिर, वो तो सीक्रेटिव नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। इसको पहले तो इस पे इतना जज्बाती हमें इस वाले केस पे बिल्कुल जज्बाती होना चाहिए। ये बहुत बड़ा केस है, ये बहुत ही दर्दनाक केस है, हम सारे जज्बाती, लेकिन ये जो आखिरी पार्ट इसका है कि कब आपको क्या बताया गया, इस पे इतने जज्बाती नहीं हुई है। इस पे पुलिस को वक्त दीजिए, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें पास और फेल के रिमार्क्स ना दीजिए, इसमें रिजल्ट कार्ड इशू ना कीजिए पुलिस को, विद इन फ्यू आवर्स टाइम दीजिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो वैसे ही की जानी चाहिए थी जैसे की गई, जो आपको बताया गया वो वैसे ही बताया जाना चाहिए था जो आपको बताया गया। मैं एज अ कम्युनिकेशन, जितनी मुझे अकल है कम्युनिकेशन साइंस की, उस हिसाब से बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो उसमें आपको बताया गया वैसे ही बताया जाना चाहिए था। केस की इन्वेस्टिगेशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी मदद की, आगे भी की। जिन लोगों को कम्युनिकेशन साइंस का नहीं पता वो इसके ऊपर अपने अपने मामला जो है वो इसे अखज कर रहे हैं। पुलिस आपको जितनी इंफॉर्मेशन दे रही है, जितनी उसे देनी चाहिए वो आपकी आपको दे रही है, उनको आप इन्वेस्टिगेशन करने दें, पास फेल के सर्टिफिकेट ना दें। आपको सिर्फ पूरी कौम को ये एतमाद होना चाहिए पुलिस बिल्कुल करीब है इसको सॉल्व करने के, बल्कि दूसरे लफ्जों में काफी हद तक सॉल्व कर चुकी है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जो भी कम्युनिकेशन में अभी तक हुआ वो आप ये मत समझिए कि वो मिसहैंडलिंग है, वो वैसे ही होना चाहिए था जैसे वो हुआ है। इससे आगे इस पर और मजीद बात नहीं होनी चाहिए। पहले ही जो कुछ मीडिया में हो चुका था उससे इस केस को नुकसान पहुंचने का खदशा था, उस नुकसान को बचाने के लिए जिस तरह से कम्युनिकेशन फॉर्म की गई, अब आपको उस पर एतराज है, लेकिन उस एतराज का अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। चलिए, आपको अभी नहीं बताया जा सकता कि इसमें सिचुएशन क्या है। अभी यही बेहतर है आपके लिए, हमारे लिए, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया आप वही सुनिए। अगर आप एक दो दिन तक हमें ये कहना चाहते हैं, 3 दिन तक, कि आपकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, चले इसे काम चला लीजिए, क्योंकि हमारे कॉन्शियस को पता है कि हमारे इदारे, हमारे जवान, हमारी पुलिस ने कितना काम किया। मुझे पता है कि बुज़दार साहब बाकी नहीं सोए वो दो रातें, मुझे पता है कि आईजी सोना भी नहीं चाहिए था। जिन्होंने अजीबो गरीब बयान दिए, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था, उन्हें करना चाहिए था पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पंजाब के लोगों के ऊपर, उनका कोई एहसान नहीं है गिल साहब। लेकिन बहरहाल, आई टेक योर पॉइंट, लेट मी मूव ऑन, आई विल कम बैक टू यू। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपने गिल साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, वो ये फरमा दें कि परफॉर्मेंस ठीक है पंजाब पुलिस की। जी,
वो कह रहे हैं कि अभी आप पास और फेल का सर्टिफिकेट ना दें, लेट द पुलिस हैंडल द केस, अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, जितनी हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, कोई मिसहैंडलिंग नहीं हुई है अभी तक। क्या इसके ऊपर मौकफ? देखिए बैरिस्टर साहब, को ये केस से ना तो हम किसी को पास का और ना फेल का कोई सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, लेकिन अगर दो साल की परफॉर्मेंस देखें तो उस पर तो फिर मेरे ख्याल से बात की जा सकती है। सबसे पहले अगर इस केस की बात करें तो सबसे जो आपने इतना 10-15 मिनट बात हुई हुकूमती तर्जुमान से और आपने वज़ीर इत्तला'आत पंजाब का भी बयान सुनाया, जिससे एक बात साबित हुई कि इस हकूमत की खराबी की वजह एक है कि इसमें सारे ही तर्जुमान हैं। इसमें कोई आपको वज़ीर ख़ारजा नज़र नहीं आता, कोई आपको वज़ीर सनत नज़र नहीं आता, कोई आपको वज़ीर दाखला नज़र नहीं आता, इवन कोई प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आता। सबको स्पोक्स पर्सन बनने का शौक़ है, ब्रीफिंग देने का शौक़ है, तकरीरें करने का शौक़ है और हिस्ट्री सुनाने का शौक़ है। गवर्नेंस इस तरह नहीं होती और गुड गवर्नेंस तो बिल्कुल इस तरह नहीं होती। अब देखें ना कि पंजाब का केस है और अभी तक जहाँ पे अगर आप इसे प्रोफेशनली पुलिस हैंडल करे तो मेरा ख्याल से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी तक तो किसी मिनिस्टर को नहीं आना चाहिए। बड़ा प्री मेच्योर था कि चीफ मिनिस्टर आके और शुरू हो गए। जब आप बड़ी खुशखबरी सुनाने आएंगे तो मीडिया तो फिर न्यूज़ को ब्रेक करेगा कि मुलजिम पकड़ गए, चीफ मिनिस्टर खुद बताने आ गए जी कि हमारे तक रिपोर्ट्स आ गई और बड़ी मुसद्दका सर मुलजिम पकड़े भी नहीं गए। तो उसके बाद मीडिया साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की बैरिस्टर साहब, मतलब वही ना, उन्होंने कहा कि हमने शिनाख्त कर लिया, पकड़े अभी तक नहीं गए। सॉरी, वो भी न्यूज थी उनके लिए कि बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल ठीक है, मतलब एक तरह बिल्कुल ठीक है ये बात करना, लीक करना कि पकड़े जाने से मेरी यही मुराद थी कि हम पहुंच गए हैं उन तक और हमें उनका पता चल गया कि मुलजमान कौन है। अच्छा, अब उसके बाद खबर लीक होती है। अब खबर लीक तो या पुलिस ने की है या गवर्नमेंट ने की है, और अब इस्लामाबाद के वजीर आजम के एक स्पेशल असिस्टेंट उस पर वेल डन शुरू हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई ये काम था। अगर बात करनी थी तो यहाँ पे की जा सकती थी। एक तरफ पुलिस का जो काम है वो करती नहीं, जो हमारे CCPO साहब हैं वो फुफा दादा बन के ये तो बताने लगते हैं कि आपको किस टाइम पे निकलना है, किस तरह निकलना है, निकलना है या नहीं निकलना। कोई कत्ल हो जाए तो कल को ये घर से क्यों निकला था, घर से ना निकलता तो कत्ल ना होता। तो ये तरीका कार ये पुलिस का काम है या ये तर्जुमानों का काम है? जब आप मुलजमान को पकड़ लेंगे आपकी टीम बड़ी कामयाब हो जाएगी, वो मुलजमान भी एक बाले जुर्म कर लेंगे, वो खातून भी बता देगी कि यही वो मुजरिम है जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, तो फिर तो आप ज़रूर इसका आके क्रेडिट ले लीजिएगा। लेकिन अगर पुलिस ने प्रोफेशनली काम करना है, उसे आपने पोलिटिसाइज नहीं करना, आपने पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, तो फिर तो मामला ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह आप पिछले दो कल से लेके आज तक देख रहे हैं, जिस तरह ये ट्वीटू सुल्तान सारे बने बैठे हैं और हर वक्त ट्वीट्स के ऊपर, मेरे ख्याल से इनका काम ही सिर्फ मोबाइल को हाथ से रखते ही नहीं है, ट्वीट के अलावा ये कुछ कर ही नहीं रहे। इसीलिए दो साल से हुकूमत खारजा पॉलिसी से लेके अमनो अमान तक ट्वीट के ऊपर है। अब बात यह है कि पूरी सिविल सोसाइटी चला रही है, पूरे लोग तमाम पोलिटिकल पार्टीज चला रही हैं कि शेख उमर साहब को बरतरफ किया जाए। अब कौन से उन बे सौराब के पर लगे हैं? IG तो आप बात बात पे तब्दील करते हैं, 5 IG की कुर्बानी आपने दे दी, कोई फर्स्ट लेडी जाती हैं पाक पटन, उन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिलता या उनकी बेटी को नहीं मिलता तो आप पुलिस अफसर चेंज कर देते हैं। लेकिन एक CCPO आके इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देता है, वो ये नहीं बताता कि मेरी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, लेकिन उसके ऊपर आपके जूं तक नहीं रिंग रही, उल्टा मिनिस्टर्स आके उसके सपोर्ट शुरू कर रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स आते हैं कहते हैं जी वो कहीं नहीं जाएगा, वो खड़ा रहेगा, उसे कहीं जाने नहीं देंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि कन्फ्यूजन क्यों फैलाते हैं हर मामले के अंदर, आप इस तरह मामलात क्यों करते हैं? क्रेडिट लें ना, अगर इन्होंने साना साहिवाल वाले पकड़ लिए हैं तो हम इन्हें क्रेडिट देते हैं। ये काम में आप खामोश रहें जब तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते और मामला हल नहीं होता। आप थोड़ी अपनी सियासत बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। बैरिस्टर दानियाल साहब, आप एक कानूनदान भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी, आपका ताल्लुक अपोजिशन से है, फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, हुकूमत की परफॉर्मेंस को, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को और अभी तक जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी, आर यू सेटिस्फाइड एज अ लॉयर एज अ पाकिस्तान? देखिए बैरिस्टर साहब, पहली चीज़ तो जो कब्ज वक्त की बात कर रहे थे कि आज इनके चीफ मिनिस्टर जब ये बयान देते हैं कि हमने उन लोगों तक पहुंच गए हैं और उन लोगों का नाम लिया कि जो जिनका कहा वकारुल हसन का कहा कि वो एक महीना पहले बेल के ऊपर लेके आए, तो पहले आज चीफ मिनिस्टर साहब अपनी माजरत करें
उनके स्पोक्स पर्सन माजरत करें जब लोगों पे वो झूठे इल्जाम लगाते हैं और ये कानून शहादत की तहत की मुझे बताएं ये किस जुमरे में आता है कि जब आपने किसी भी अब्सकॉन्डर या कोई बंदा जिसके ऊपर आपने कहा हो कि उसने ये फला एक्ट गलत किया है, आप उनके घर वालों को हरासा करें, उनके बच्चों को पकड़ लें, आपका कानून शहादत की कोई शक ये नहीं कहती जो आज उस बंदे की बेटी को उन्होंने पकड़ा है। जहाँ तक बात है देखिए इंस्टीट्यूशन की, जहाँ 5-6 IGs वो शौकत जावेद साहब हैं, जावेद इकबाल हैं, तारिक सलीम डोगर हैं, हाजी हबीब हैं, मुश्ताक सुखेरा साहब हैं, 6 IG जिस मुल्क में इसलिए हटा दिए गए हों कि इनके आगे वो सजदा रेज नहीं हो रहे थे, इनके आगे वो सलूट नहीं कर रहे थे, इनके आगे बाउ डाउन नहीं करते, तो आप मुझे बताएं कि उस सिपा सलार की टीम का आगे क्या मोराल होगा। जब मोराल की हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ ये ऐसे ऐसे CPOs को लगा रहे हैं, CPO को लगा रहे हैं कि जिसकी आपके अपने इंस्टीट्यूशंस उनकी क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं कि वो कैसे जिनसे इमरान खान को जिसके ऊपर बड़ा एतमाद था, आई बी बता रही है उनका क्या करेक्टर रहा है, तो फिर आपके सामने ऐसी गलत चीज़ें भी आती हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस डीमोरलाइज भी होते हैं और फिर आपके ऐसे स्पोक्स पर्सन के गलत बयान भी आते हैं और गलत बातें भी निकलती हैं। देखिए कल वो पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए ये तो इनकी अपनी अहलियत के ऊपर है, लेकिन जब आप ऐसे एक्ट्स करते हैं कि पूरे मुल्क को आप गुमराह करते हैं, वो कहीं भी कोई भी इंसिडेंट्स हो, वो चीनी का हो, वो आटे का हो, इनके दाएं बाएं देखें, ये वो लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान को गुमराह कर रहे हैं। आज इनका यहां से स्पोक्स पर्सन पकड़े हैं, पंजाब से पकड़े, इन सब की तसलसल एक ही है कि वो झूठ है, वो मिसमैनेजमेंट है और बगैर किसी सबूत के ये बयान देते हैं कि कौन पहले ट्वीट करेगा, कौन पहले जीतेगा। इससे मुल्क और हुकूमतें नहीं चलती, हुकूमतें ग्राउंड वर्क से चलती हैं, हुकूमतें ऑन ग्राउंड पहुंचने से और चीज़ों को असिस्ट करने से चलती हैं। ये मोबाइल के ऊपर बैठ के हुकूमतें चला रहे हैं, तो इसलिए आज आपके मईशत का भी हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का भी हाल है और आपके कानून और आपके इदारे, आपका अपना सुप्रीम कोर्ट फिर ये ऐसे ऑर्डर्स देता है। एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे भी है, आपसे सवाल मेरा ये है कि अभी तक जो मरकजी मुलजम है इस केस का जिसका नाम आबिद है, उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई जो अभी तक डिनाई नहीं हो सकी, वो ये है कि जी 2013 में भी एक ज्यादती के मुकदमे में ये मुलव्वस था, एक माँ और उसकी बेटी को इसने ज्यादती का निशाना बनाया उनके घर वालों के सामने और उसके बाद फिर बाद में इसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उस केस से किसी ना किसी तरीके से निकल गया। यू नो इट एज अ लॉयर दैट दिस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसमें समझौता सुलह कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद वो निकल जाता है उस केस में से। 2013 से लेके अभी तक 2020 तक उसके खिलाफ 7-8 मुकदमात हैं बकौल पंजाब पुलिस, एंड इफ देर आर मल्टीपल केसेस ऑफ रेप अगेंस्ट हिम देन ही इज अ सीरियल रेपिस्ट। बिल्कुल। और 2018 तक आपकी हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक ओवर करती है 2018 में, मैं 2 साल का तो सारा नजला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डालने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले के आपके जो 5 साल हैं उसमें आप लोगों ने कानून की बेहतरी के लिए, रिफॉर्म के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए क्या किया, और अगर नहीं कर सके क्यों नहीं कर सके? जब गवर्नमेंट में आते हैं तो प्रायोरिटीज क्यों चेंज होती है, ऑपोजिशन में बैठ के क्यों बात करते हैं? बैरिस्टर साहब के एक चीज बड़ी क्लियर है कि आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किस तरह करते हो, आप उनको स्ट्रेंथन इस तरह करते हो कि आप उनके जो हेड्स होते हैं सिपा सलार उनको आउट ऑफ प्रमोशन उठा के बाहर ना फेंको, जो एक सिस्टम चल रहा है उसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो, उसमें सवाल जवाब भी हो और उसकी शिकों में कानून शहादत की शिकों में बेहतरी की जाए। जहां आप देखें पंजाब पुलिस आपने जो इशू देखा, हमने 72 घंटों में इंसिडेंट नंबर ऑफ पुलिस एनकाउंटर्स बताऊं कितने, बिल्कुल पुलिस शायद हुए होंगे जब मियां शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, अकाउंटेबल फॉर इट द इंस्टीट्यूशन इज अकाउंटेबल, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इज रिस्पांसिबल फॉर, बिल्कुल, लेकिन जो उसका हेड है, जो उनका सिपा सलार है, ही इज अकाउंटेबल। जब आप अपनी मर्जी से, बैरिस्टर साहब आपको बेहतर पता है कि जब आप 5-5 सिपा सलार अपनी मर्जी से बदलाते हैं तो तब आप अकाउंटेबल हैं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से लगाया, कोई तरीका नहीं है ना, मैं आपका ये पॉइंट बाय करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अगर वो नहीं करा तो फिर उस इंस्टीट्यूशन से, मैं ये बात मानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छठा आईजी लेकर आ गई है, लेकिन मैं ये बात भी तो दुरुस्त नहीं है कि आपका लीगल सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, थानों में रिश्वत चल रही है, एक बंदा जिसकी एसएचओ से दुआ सलाम नहीं है उसका पर्चा दर्ज नहीं होता, वो पर्चा दर्ज हो जाए तो गिरफ्तारी डलवाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में वो पैसे नहीं दे सकता, तो मुलजिम पकड़े नहीं जाते, इंसाफ नहीं मिलता, और आपका एक ही आईजी लगा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के अंडर, ये भी तो फिर दुरुस्त नहीं है ना। इफ द आईजी, इफ द पुलिस इज नॉट परफॉर्मिंग अंडर 1 IG, व्हाई इज दैट आईजी देयर? देखिए एक चीज कि हमने हुकूमत में, हम जब गवर्नमेंट में थे, हमने फास्ट स्पीडी ट्रायल्स शुरू किए, फास्ट कोर्ट्स बनाए, आपने इसी तरह आपने अपने प्रोविजन कानूनी शहादत के प्रोविजन के अंदर रह के जहाँ जहाँ आपने एक्स्ट्रा कोर्ट्स बनाए जिन्होंने परफॉर्म किया। देखिए एक बहुत बड़ा लैप्स है
एक जुडिशल सिस्टम में लैप्स है जिसकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है, या झूठी गवाहियों केसेस लेकर मर्डर ट्रायल से लेकर आप जहां तक बात करें, यहां कानून शहादत को नज़र में रखते हुए आपके जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। और वो रिफॉर्म तब ही आएगा कि जब पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे बैठेंगे, जब इसके ऊपर इसलाह करेंगे, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेगा, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नहीं देखता और समझता नहीं है, तो कोई प्रोविजन, कोई ऐसी चीज़ जो हाई कोर्ट्स हैं और जो लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की तशरीह करना है। देखिए, गवर्नमेंट ने जितना किया, देखिए हमने स्पीडी ट्रायल्स बनाए अपनी हुकूमत में, हम बेस्ट परफॉर्मिंग, हमारी आप सूबे वाइज देख रहे हैं तो बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा रहा। चलिए, आपने कोई केसेस ऐसे थे जिनको 72 घंटे में सॉल्व किया, 24 घंटे, ऐसी मिसमैनेजमेंट नहीं देखी आपने। ये नहीं देखा कि एक बंदा अलग बातें कर रहा है, चीफ मिनिस्टर प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे आके बयान दे रहा है, ये बच्चकानी हरकतें ना हमारी हुकूमत में हुई ना हमारे हमें हमने कभी की। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नजर आता है, और थैंक्स टू दिस पार्टी। अच्छा, जिस तरह से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से ऑपोजिशन का मौकिफ है, मैं चाहता हूं कि ऑपोजिशन के हवाले से गवर्नमेंट का मौकिफ भी लिया जाए। इसलिए गिल साहब, आप जो भी कहना चाहते हैं गुफ्तगू सुन के दोनों मेहमानों की, आप जरूर फरमाइए। और दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वकारुल हसन है, जिसने खुद जाके अपनी गिरफ्तारी दे दी है वहां पर, और वो कहता है कि मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, बेशक मेरा DNA टेस्ट भी करा लें, अब ये तो DNA टेस्ट आने पर पता चलेगा कि इसका ताल्लुक है या नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था, हमारी एक एंकर पर्सन है फरिया द्रीस साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, वो कहती हैं कि जो विक्टिम है, जो खातून है जिनके साथ रेप हुआ है, उन्होंने फरिया को ये बताया है कि मैं सामने आने पर रेपिस्ट्स को पहचान सकती हूँ, मुलजिमान को पहचान सकती हूँ। तो कोई शनाख्त परेड कराई गई अभी तक खातून को, दिखाया गया कि जी ये वो बंदा है नहीं है? क्योंकि अगर वो पहचान सकती हैं फरिया ने जो ट्वीट किया है, तो फिर तो ये मसला हल हो सकता है ना काफ़ी आसानी से, और साथ साइंटिफिक एविडेंस तो है ही है, तो क्यों इतनी डिले हो रही है इसके अंदर, गिल साहब? अच्छा, एक तो मैं दो तीन चीजें जो पहली डिस्कशन हो रही थी आपकी, उसमें सवाल चना पूछा, जवाब नंदम आया। सवाल पूछा कि 2013 में इसी कल्प्रिट ने, इसी बंदे ने अभी तक की जो इतला है, एक इतना हीनियस क्राइम किया, 5 साल इनकी हुकूमत रही और वो बंदा दंदनाता फिरता रहा, उसने और भी जुर्म किए उस टाइम में, वो नहीं पकड़ा गया, उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसका घुमा के फौरी तौर पर जुडिशियल रिफॉर्म्स, और हमने एक IG रखा। जनाब, आप तो IG को बाद में सेनेटर भी बनाते हैं, आपने तो राणा मकबूल को सेनेटर भी बनाया, आप नौनों साथ साथ IG अपने टेन्योर में शहबाज शरीफ साहब ने चेंज किए, वो किसी को याद नहीं है। हमारे IG 4 या 5 या 6 चेंज हो गए तो वो याद है, क्या इन्होंने साथ साथ नौनों IG चेंज नहीं किया अपने टेन्योर में? शहबाज शरीफ साहब का पहला टेन्योर उठाए और दूसरा उठाए और देखिए कितने IG चेंज हुए। एक मॉडल ये है, एक मॉडल दूसरा है, और वो दूसरा मॉडल है सिंध वाला कि एक के साथ अपना लाइन सीधी कर लो और फिर उसी IG को रखो, खुद भी खाओ और उसको भी खिलाओ। तो असल बात तो आपने सवाल पूछा कि बात ये नहीं है कि ऑफिसर कितने चेंज हुए, बात ये है कि आप डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप रोज IG चेंज करें, डिलीवर नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं उस चेंज करने का। आप पूरे 5 साल एक IG को रखें या 3 साल रखें, जो भी टेन्योर उसका बनता है, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा उसका भी कोई फायदा नहीं। तो बात ये ऑफिसर चेंज करना, किस ऑफिसर को लगाना है, इसी काम के लिए हुकूमत आती है, इसी पर वोट लेके आती है। ये टॉक शोज की जीनत नहीं है, यहाँ पर आपको आंसरेबल नहीं है हुकूमत इस बात पे कि उसने ऑफिसर क्यों चेंज किया है, क्योंकि इसी चीज का तो मैंडेट, इसी चीज का तो लेके आती है हुकूमत। अगर हमने बजट में एक प्रायोरिटी सेट करनी है तो टॉक शो पे उसका जवाब देने के लिए तो नहीं है ना, उसी के लिए तो वोट लेके आए थे आप। हाँ, अगर आप अपने मैंडेट से खिलाफ जाके कोई काम करेंगे, कोई गैर कानूनी काम करेंगे, कोई कानून तोड़ेंगे, बिल्कुल आपको जवाब दें मीडिया को, आपने सवाल करना, हमने जवाब देना है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे किसी ने अपने करतूत का जवाब नहीं दिया, जो अपना अपना वक्त था जो देना चाहिए था, पहली बात तो ये सामने रख लीजिए। दूसरा ये भी ज़हन में रखिए, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है शहबाज गिल साहब, आप मुझे बात, आपका जो मॉडल है, आपने कहा कि दो मॉडल्स है ना, आप मुझे बात कर लेने दीजिए, नहीं इसी से रिलेटेड मेरा ज़िम्नी सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप अगले इशू पर जाइएगा, ज़िम्नी सवाल है मेरा आपसे इसी से रिलेटेड। मैं बाद में लूंगा ज़िम्नी सवाल। 1991-92 में IG जो उस वक्त के थे खान साहब, एक उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान ने पैसे लेके पुलिस में लोग जमा भर्ती करवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी बुनियादों के ऊपर पुलिस भर्ती हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस के इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया। उसके ऑनवर्ड देखें तो फयाज टुंडा हमारा था, आबद बाक्सर हमारा था, दूसरे तमाम बशीर नियाजी हमारा था। आप 2010 देख लें, 2010 में तकरीबन 299 पुलिस मुकाबले करवाए गए, आप 11 देख लें, 12, 13, उसके बाद 8, 9,
हर साल में इन्होंने तो सर इन चीजों को आप लोगों ने तब्दील करना था ना, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि पुलिस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, और आपकी तो पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। आपने कहा कि हम सियासी इक्तसादी समाजी इंसाफ लेकर आएंगे, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करेंगे। सर आपने बोलना है बरिस्टर साहब, अगर आपने बोलना है तो शौक से बोले, मैं फोन बंद कर देता हूँ। अगर आपने दो लोगों के जवाब में मेरा अकेले का जवाब भी नहीं सुनना तो आप इन दोनों का इंटरव्यू कर ले, मैं बंद कर देता हूँ, कोई गुस्से वाली बात नहीं। आपको मैंने तीन मिनट अनइंटरप्टेड सुना गिल साहब, लेकिन बीच में काउंटर क्वेश्चन करना मेरा भी हक है। ये आप समझिए, ये जमहूरियत है, इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सर मैं आपको सर मैं आपसे जिम्मी सवाल पूछ रहा हूँ ना, हिम्मत रखिए, सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। सर अपोजिशन को 66% टाइम देंगे, हुकूमत को 33% देंगे, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में 50-50 करें। आप अपोजिशन को 86% देंगे, 66% देंगे, दोनों मेहमानों से मैंने ज्यादा टाइम दिया गिल साहब, दोनों मेहमानों से ज्यादा टाइम दिया। आप ये शो खत्म होगा, देखिएगा जाके, दोनों मेहमानों से ज्यादा आप बोले। अगर 66% उनका टाइम है तो हुकूमत उनको दे दे आप। But this is a non-issue. This is a non-issue. Let's get back to the issue, Gil sir. Let's get back to the issue. आप बात नहीं, अब आप कह रहे हैं लेट्स गेट बैक टू द इशू। मैं आपको बात करने दे रहा हूं, लेकिन मैं आपकी तकरीर सुनने के मूड में नहीं हूं गिल साहब, बड़ी माजरत के साथ और बड़े एहतराम के साथ। सिंपल मेरा काम सवाल पूछना है, वो तो मैं पूछने का हक रखता हूं ना आपसे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपने मुझे बात करने देनी है बात करने दीजिए, नहीं करने देनी बता दीजिए जी प्लीज। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जो कह रहे हैं कि मैं क्या बता दूं आपको, ये आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं टॉप शो छोड़ने की गिल साहब, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आई मीन इफ यू द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सर माशाल्लाह आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह धमका नहीं सकते हैं लाइव शो में कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं फोन बंद कर रहा हूँ। सर मेरा राइट है आपसे सवाल पूछने का, आई एम द एंकर ऑफ द शो, मेरा राइट है सवाल पूछने का। आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं कि मैं फोन बंद कर दूंगा? पहले जवाब देने देंगे, आप मुझे पहले जवाब देंगे फिर जिमनी सवाल आएगा, मैं आपका जिमनी सवाल जवाब दिए बगैर नहीं लूंगा। आई एम सॉरी, हौसला करें, दिल बड़ा करें, चले आप बोले 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 बोलिए बोलिए, आई गिव यू ऑल द टाइम नाउ टिल ब्रेक, बोलिए। अब आपकी इजाजत है मुझे जवाब देने की सर, आप इंटरप्ट तो नहीं होगा मैं? सर ना भी हो आपने तो फिर भी लेनी है, आप छोड़ देंगे शो, आपने कहा कि मैं डर गया हूँ आपकी धमकी से, फरमाइए। आपको नजर आ रहा है मैं किन हालात में आपके साथ शो कर रहा हूँ? एक मैंने फोन कान पे लगाया हुआ है, दूसरा मैं स्काइप पे बैठा हूँ, गाड़ी में मैं बैठा हूँ, सफर कर रहा हूँ, ऑन टॉप ऑफ दैट आवाज ठीक नहीं आ रही, और आपको जिम्मी सवाल बीच में देना जैसे मैं बात शुरू करता हूँ। ऐसी बात, ये आप लोगों का तरीका है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ना करें आप, ऐसी बात करना नहीं आता, जी फरमाइए बोलिए। मैं सिंपल आपको ये कहता हूँ, इतना टाइम जाया ना होता सर अगर आप जिमनी सवालों के चक्कर में ना पड़ते। सिंपल सिंपल आपके सामने हल रख रहा था कि इन्होंने जब इनको वक्त मिला इन्होंने पुलिस गर्दी की, इन्होंने पुलिस में अपने लोग भर्ती किए। आईजी की जो जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी, 91-92 में वो लाहौर हाई कोर्ट में दी गई। उसके बाद इन्होंने किस तरीके से लोगों के मुंह में गोलियां मारी वो मॉडल टाउन में आपके सामने है, जिस तरह की पुलिस गर्दी टोटल इन्होंने की। आपको एक बात इस केस में नजर नहीं आ रही, क्या अभी तक किसी को विक्टिम की आइडेंटिटी का पता है? क्या अभी तक विक्टिम का टेलीफोन नंबर लीक हुआ है? विक्टिम का नाम लीक हुआ है? विक्टिम का एड्रेस लीक हुआ है? विक्टिम के सर पे किसी शोबाज ड्रामेबाज ने जाके हाथ रखा है और तस्वीरें खिंचवाई है? किसी ने वहां पे जाके ड्रामे किए? नहीं किए। ये शहबाज शरीफ ड्रामेबाज की हुकूमत नहीं है, ये अब एक जिम्मेदार हुकूमत है जिसने सबसे पहले विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया है। आप यहाँ बैठ बहुत सारे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैंने शुरू में, आप एक बैरिस्टर है, आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए थी। मैंने आपको सीख गई, वो सोच समझ के की गई, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और आप यहाँ पास फेल के सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके ऊपर के ऊपर। आपको क्यों बताएं वो इन्फॉर्मेशन जो अभी बताने वाली नहीं है? आपसे गुजारिश ये की है कि अभी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी की तरफ इसके सारे के सारे रिजल्ट हैं। लेकिन आप पूरा प्रोग्राम ये मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं है, गिल साहब जो सिचुएशन अभी तक केस की आपने बोल दिया, अब आप मेहरबानी करें मेरी भी बात सुन लें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता।
ना दें और मैं मांग भी नहीं रहा, और मुझे आपसे बेहतर इदराक है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी क्रिमिनल केस की पब्लिक नहीं की जाती है। अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए, आपने मुझे कहा ना कि ये इतना वक्त जाया ना होता अगर आप जिमनी सवालात के चक्कर में ना डलते। सर ये प्लीज बात जेन से निकाल दें कि जो आप बोल रहे हैं वो कीमती वक्त में शामिल होता है और जो कोई दूसरा बोल रहा है वो वक्त जाया हो रहा है। आई एम एन एंकर ऑफ द शो और मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, जिमनी सवाल पूछना, क्रॉस क्वेश्चन पूछना, मैं वो पूछ सकता हूँ और आपका राइट है जवाब देना, क्योंकि आप एक पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं जो मेरे टैक्स के पैसों से चलता है। सर मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, मैं पूछूंगा। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी बात गिल साहब, अब मेरी बात सुन लीजिए गिल साहब, प्लीज सुन लीजिए। आपको पता मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात आपने मॉडल टाउन के हवाले से जो कहा कि जी ऑपोजिशन ने ये किया और सब कुछ हुआ, आज तक मुल्जमान के नाम नहीं पता चले। क्यों नहीं पता चले आप मुझे बताएं ना, दो साल से आपकी हुकूमत है, आप लोगों ने प्रोसिक्यूट करना है। हमने तो मीडिया ने आवाज उठाई थी सारे मॉडल टाउन के खिलाफ, आज तक उठाते हैं सर, लेकिन दो साल हो गए, आप लोगों ने मुल्जिमों को अभी तक सजा क्यों नहीं दी? मैंने प्रोसिक्यूट करना है या गवर्नर ऑफ पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने करना है? सर आप लोग क्यों नहीं करते प्रोसिक्यूट? वेलकम बैक, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप ब्रेक में मुझसे गिला कर रहे हैं कि आपको टाइम मैं नहीं दे रहा, आप फरमाइए जो आप कहना चाहते हैं जी, प्लीज। नहीं, हमें तो आज लग रहा है कि शायद सोलो शो है आपका गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मुसलसल एक बहस, देखें जब इशूज़ को उलझाना हो तो फिर नॉन इशूज़ को रेज़ किया जाता है और फिर सारा मामला ख़राब हो जाता है। मुझे हैरानगी होती है कि अगर कोई हुकूमती तर्जुमान है तो उनका काम है कि आके लड़ाई नहीं लड़नी, आपको जवाब देना है। अपोजिशन तो एग्रेसिव होती है, गवर्नमेंट कभी एग्रेसिव नहीं होती, और अगर ये सिलेक्टेड हुकूमत हो ना होती और इसके सिलेक्टेड तर्जुमान ना होते और कोई ये पॉलिटिकल वर्कर होते, चलिए सर वो मेरे और उनके दरमियान था, उसको छोड़िए, बात करनी है। और दूसरी बात, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन इश्यूज पे वापस आते हैं। मैं अपने पॉइंट को आगे लेके जा रहा हूं, मेरे बात करने पर्सनल बात करेंगे तो बात को जवाब दूंगा। इन्होंने जो कहा कि ये जवाब दे नहीं अपनी बात करवाएं, जितने मर्जी आईजी इसको चेंज करें, अपनी बात करें, एग्जीक्यूटिव फैसलों के अंदर ये जवाब दें, ये अपनी बात करें, ये असेंबली को जवाब दे हैं, ये अपोजिशन को, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस, लोगों को जवाब दे हैं, ये हुकूमत को जवाब दे हैं, सब मैं आता हूं आपकी तरफ, एग्जीक्यूटिव फैसले उसमें आप कोई ये मुल्क फतह करके नहीं आए, आप कोई महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, एक जमहूरी निजाम है, जमहूरी निजाम के अंदर आप आंसरेबल हैं, आप असेंबली को, और यही प्रॉब्लम है कि ये कभी भी ना नेशनल असेंबली में, देखिए कितने सुकून से इन्हें सुना गया और ये नहीं सुनते। ये गिल साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको सुन लें, चीफ मिनिस्टर पंजाब असेंबली में आता नहीं है और इन लोगों का तमाशा ये है कि शोर करें, बदतमीजी करें, गालम गलोच करें और किसी की बात ना सुने, तो ये तरीकाकार नहीं है। आप आंसरेबल हैं, आप अगर दो साल के अंदर पांच पांच आईजी तब्दील करेंगे और जो वजह है खराबी की वो बुजदार साहब जो बोलते नहीं है, अभी बिला वजह बोल पड़े, अभी केस हल नहीं हुआ, पहले तो दो साल से बोलते चले सर, मैंने गवर्नमेंट से पूछे हैं सवाल, तर्जुमान पंजाब में रखे हैं, ऊपर रखे हैं, गवर्नमेंट से टॉपिक से बात की है, ये प्रोग्राम ही बड़ा जबरदस्त सेट किया था, ये प्रोग्राम काम के लिए आपने किया, इन्होंने बताना है कि अगर ये लीक हुई, मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब जरा ठहर जाइए, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, आई विल गिव यू योर टाइम, प्लीज रिलैक्स। नहीं नहीं, आपने आपने मॉडल टाउन की पूरी तकरीर फरमाई और उसके बाद आप ब्रेक लेके शाम साहब शिफ्ट हो गए, अगर जवाब लिए आंसरेबल नहीं होंगे तो मामला आता हूं मैं आपकी तरफ, रिलैक्स कीजिएगा। सिंपल बात है, पिछले एक साल के अंदर पंजाब में खवातीन के अगवा के 12,600 केसेस हुए हैं और रेप केसेस इसमें से 3881 हैं और बच्चों को जो ज्यादती बच्चों के साथ हुई है 1261 बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, ये एक साल का रिकॉर्ड है इनका। अब आए कि जब कोई वाकया हो जाए, शोर मच जाए और आप पॉइंट स्कोरिंग करने लगे, ये हल नहीं होता है। अच्छा ठीक है, चले वो मैंने उनसे सवाल पूछे, लेकिन बैरिस्टर आमिर हसन साहब के अंदर मैं देखिए मैं एक एंकर पर्सन हूँ और मेरा काम है कि जो भी पार्टी जहां पर भी हुकूमत पे है मैंने उससे सवाल पूछना है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में है, केपीके में हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में हो। मैं सिंध का सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ,
सिंध में, कराची में जो बारिशें हुई हैं अभी तक के जो फिगर्स मेरे पास हैं उसमें 136 हलाकतें हो चुकी हैं आमिर हसन साहब, और सिंध में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से 23 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इन हालात में लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं वो काम करती हैं और वो लोगों को संभालती हैं, लेकिन सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब क्या फरमा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, देखिएगा जी क्या कह रहे हैं। डिलिमिटेशन होने से पहले जो सेंसस है उसको सीसीआई ने अप्रूव करना है, इसलिए कि कानून में है कि जो लेटेस्ट सेंसस है उसके तहत डिलिमिटेशन होगी, यानी जो हल्का बंदियाँ होंगी। इस वक्त जो नोटिफाइड सेंसस है अप्रूव वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस में तो इंतखाबात हो नहीं सकते, जो 2018 के जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें वन टाइम वेवर यानी एक बार सिर्फ आइन में इजाज़त दी थी कि 2018 के इलेक्शन के लिए वो 2017 वाला जो मरदमशुमारी थी उसको अपनाया जाए। यानी कि जब तक अब मरदमशुमारी नहीं होगी तब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी, तब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होंगे, और जब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होंगे इसका मतलब यह है कि तब तक सारी पावर एक बंदे के पास होगी जिसका नाम शिलवानी है और वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची और बाकी जगहों पर भी इसी तरह चलेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगी। आप ऑपोजिशन में यहां पर तो बात करते हैं कि डिवॉल्व करें अथॉरिटी को, वहां पर क्यों नहीं करते सर? मैं जवाब देता हूँ ना जी, मैं जवाब देता हूँ सर, मैं जवाब देता हूँ। मेरी देखें कि 4 सूबे हैं और वाहिद सूबा सिंध है जहाँ पे बलदियाती निज़ाम ने अपनी मुद्दत पूरी की है, बलदियाती हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करके अगस्त के एंड पे ख़त्म हुई हैं। अदरवाइज़ पीटीआई ने पंजाब में भी बलदियाती इदारे ख़त्म किए और केपीके में भी किए, और किसी जगह पे बलदियाती निज़ाम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। दूसरी बात, ये बड़ी लीगल बात है, आप लॉ से रिलेटेड हैं, आपको आसानी से समझ आएगी कि 1998 के सेंसस के ऊपर 2018 की लिस्टें बनी थी और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था अब टाइम थोड़ा है, इलेक्शन आ गए हैं, लेकिन अगला जो भी इलेक्शन होगा उसमें हम ये 2018 वाला सेंसस लेके आएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम था, ये नहीं हुआ। असल इशू कराची का ये है कि उधर का सेंसस को वहाँ के पोलिटिकल फोर्सेज भी नहीं मानती, वहाँ के लोग भी नहीं मानते, और ये वादा हुआ था कि ये सेंसस दोबारा होगा और इसकी बिना के ऊपर नई वोटर लिस्टें बनेंगी और फिर इलेक्शन होगा। हम बलदियाती निज़ाम से नहीं डरते, हमने बलदियाती निज़ाम में कराची के अंदर अपनी अपोजिशन पार्टी को इख्तियार नीचे तक डिवॉल्व नहीं करना चाहते, हमने पूरा किया। देखे देखें बैरिस्टर साहब, आप अगर इल्जाम लगाएं तो अलग बात है, निजाम नहीं, रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, पहले भी 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद इलेक्शंस हुए। रिकॉर्ड की बात तो मैं आपको सुना रहा हूं इत्तेशाम साहब, रिकॉर्ड की बात तो ये है कि सिंध वाहिद हुकूमत है, वाहिद सूबा है जहां पे बलदियाती निजाम ने अपने 4 साल पूरे किए हैं। पंजाब में 2016 में 6 साल के बाद, 2016 में ये है, हम लोग आमिर साहब 2016 में 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं जबकि कानून के मुताबिक 120 दिन में होने चाहिए, 120 दिन में 6 साल बाद होते हैं सर। एहतशाम साहब, सारे सूबों में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ही हुए थे, और मैं आपको भी अभी चलें, अगर कोई आप हमें ही मुर्दे इल्जाम ठहरा दें, आए प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक कानून लेके आए, सारे मुल्क के लिए लोकल गवर्नमेंट का एक कानून लाए, एक से इख्तियार दें, एक सी पार्स डिवॉल्व करें, सिंध भी आपके साथ हाजिर होगा। ये तो नहीं कि कराची के लिए आप कोई अलहदा निज़ाम चाहते हैं और बाकी सूबों के लिए कोई और निज़ाम हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि कराची कोई अलहदा मुल्क का हिस्सा नहीं है। इंसान जो जुबान बोलता है उसकी घर की और उसकी तरबियत दिखाता है और अपना जर्फ, प्लीज ऐसी बात ना करें, मैं ये एक ये नॉर्म है और ये तरबियत सिखाता है। अच्छे माहौल में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने इनको जब ऑपोजिशन में इनको कंटेनर्स दिए, हमने इनको इनको ऑपोजिशन के तमाम नॉर्म्स पूरे करने के लिए जब कंटेनर में खड़े होकर जलाओ घेराव की बात करते थे, फिर भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो किया और इनको किया। ये बात करते हैं आज इंस्टीट्यूशन की, ये बात करते हैं यहाँ खड़े होकर अकाउंटेबिलिटी की, ये झूठ, इस पार्टी का झूठ ये है कि 5 साल ये मुझे आज बता दे कि अकाउंटेबिलिटी इनने किसने की केपीके में, वहां नैब का हेड नहीं लगा सके, चीनी और आटा चोर इनके दाएं और बाएं बैठे हैं और ये अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस आज तबाह किए, वो आप जमहूरियत की बात करें, आप बात करें अपने मुल्क की इकोनॉमी की कि कहां से मीशत शुरू हुई, कहां ले के आगे का बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की 5 इशारिया कहां से शुरू हुई और कहां 3 पे ले आए, आप किसी चीज की बात कर दें। इसी तरह आज ये पुलिस का डिपार्टमेंट तबाह कर रहे हैं, और जब हम कहते हैं डिपार्टमेंट तबाह कर रहे हैं तो ये अपने लोगों को उठा उठा के अपनी मर्जी से जब फेंकते हैं, इस तरह इंस्टीट्यूशन तबाह करते हैं, इनके अंदर बर्दाश्त नहीं है। इसकी वजह से आज सऊदी का आपके साथ ये रिएक्शन है, आपके और दोस्त ममालिक का ये रिएक्शन है, और इस वजह से आपकी मीशत आज इस पॉइंट पर खड़ी हो गई है कि व्हेन यू डू नॉट लेट अदर पीपल ब्रीथ, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर पीपल आस्क यू क्वेश्चंस, बिकॉज आज आप हुक्मरान हैं, आपके पास ताकत है, हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं तो इसलिए पूछते हैं कि आप शायद हमें बेहतर जवाब दें
सकते हैं, हमारे पास नहीं है वो पावर और चीज, लेकिन आपका, आप लोगों का बड़े भाइयों की तरह आपका एक रोल होना चाहिए और हमें आंसर करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। शायद कभी हमारे सवाल गलत और सख्त हो, लेकिन हमारी नीयत सही होती है, क्योंकि हम आज आपको इस मुल्क का हुक्मरान मान रहे हैं। हम कहते हैं आप हुक्मरान हैं, लेकिन आपको अकाउंटेबिलिटी, देखिए सिलेक्टेड हैं तो इसलिए कहते हैं, लेकिन हुक्मरान हैं, हुक्मरान मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सिलेक्टेड हुक्मरान हैं, कि अगर सिलेक्टेड होते तो ऐसी चलिए आपने बड़ी अच्छी बात की, एक पॉजिटिव बात की, उनसे पूछते हैं। गिल साहब, वो कहते हैं कि जो हुकूमत में होता है उसका बड़े भाई का रोल होता है, गुस्सा ना किया करें, हमारी बात सुना करें, ये ऑपोजिशन कह रही है आपसे। देखिए, अल्लाह मुझे बचाए इनका भाई बनने से, मैं ऐसी मुनाफकाना बातें नहीं कर सकता। ये भाई भाई बन के इस मुल्क को लूटा गया है। हमारे नजरिए में और इनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग इनकी इज्जत करता हूँ, मैं ये नहीं कि इनको अपने आप से कमतर समझता हूँ, ये मेरे से बेहतर होंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये मेरे बिल्कुल भाई नहीं है। और मुझे इनके सवालों पे इतराज नहीं है। इन्होंने कहा हमारे सवाल गलत हो सकते हैं, हमारी नीयत ठीक होती, उलट है ये काम। इनकी नीयत कभी ठीक नहीं हो सकती, सवाल कभी कभी ठीक हो सकते हैं। एज अ अपोजिशन बिल्कुल राइट है कि हमसे सवाल करें, आपका भी राइट है सवाल करें। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में तो 10 और पार्टियां भी हैं जिन्होंने वोट किए हुए हैं, तो आप फजल रहमान साहब का, एमकेएम का, उन सबका नुमाइंदा क्यों नहीं बैठाते? देखिए, ये टॉक शो की एसेंस के गलत है। आप 2 vs 1 और फिर एंकर को भी बेचारे को मजबूरन में हुकूमत वक्त के साथ सख्त होना पड़ता है। आपको अपोजिशन से एक बंदा लेना चाहिए, वो जो मर्जी ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, पीएमएलएन ले लें। सर, ये डिबेट किसी और दिन रखते हैं आपके साथ, हमें टॉक शो किस तरह से कंडक्ट करने चाहिए। अदरवाइज आप 15-15 मिनट के 3 segments कर लें, 15 मिनट मेरे साथ कर लें, 15-15 मिनट इनके साथ कर लें, ताकि बात, लॉजिकल बात जो है वो डिस्कस हो सके। ये क्या बात है कि बीच में शोर में सारी बात खत्म हो जाती है? बहरहाल, सिंपल बात ये है कि इदारे, लेकिन ये क्या बात है कि जब भी आप पे तनकीद होती है उसके बाद फिर आप कहते हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें टाइम नहीं दे रहे, लेकिन टाइम तो आपको सर पूरा मिलता है, सर टाइम तो पूरा मिलता नहीं। ये बैरिस्टर साहब, ये तनकीद की बात नहीं है, बात है कि जब आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब देने दें। सिंपल बात इतनी है और कोई बात नहीं। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आप जवाब देने दें। आई विश मेरे पास और वक्त होता। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए।